हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई नो आप भी बहुत बढ़िया होंगे। एक नया दिन और एक नए व्लॉग की शुरुआत। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अभी जस्ट डाउनटाउन गया था, मेरी एक मीटिंग थी। सब मैं काम खत्म करके डाउनटाउन के पास एक जगह है ग्रैनविल आइलैंड, जहाँ मैं आज आप सबको घुमाने लेके आया हूँ। तो दिखाते हैं आपको ब्यूटी ऑफ ग्रैनविल आइलैंड। चलिए चलते हैं। What is this? She's a Harris hawk. She stays with you? Today she's gonna stay with me. Yeah. Oh, okay. Yeah. Like, she adopted or just in the wild? No, she's here working. We're here to keep the gulls away. Oh. Yeah. Gotcha. Thank you. You're welcome. तो अभी आपने देखा वो हैरिसन समथिंग बर्ड थी, एंड यहाँ पे बहुत सारी कूज बर्ड्स एंड बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स आती है। तो उनको भगाने के लिए और उनको दूर रखने के लिए उन्होंने वो बर्ड वहाँ पे रखी हुई है। अब आप सोचोगे मैंने आइलैंड बोल के आपको ये क्या दिखा दिया, राइट। जो ये जगह है ये लोकल्स प्लेस है, यहाँ पे सारे लोकल्स की शॉप है। तो यहाँ पे जितनी शॉप्स है खाने पीने की, चाहे वो प्रोड्यूस की हो, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो मीट शॉप, तो सारी लोकल हैं। एंड यहाँ पे लोकल फूड प्रोड्यूस को एंड लोकल मेड जितनी भी आइटम्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। दे प्रमोट देयर ओन फूड। एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ से कुछ लेंगे तो उसका रेट एंड इफ़ यू गो टू वॉलमार्ट एंड बाय द सेम थिंग उसका रेट में बहुत डिफरेंस होगा। ये देखिए जितना द बर्ड्स इसको भगाने के लिए वो घूम रहे हैं, दे टेक ऑल द राउंड्स, और आसपास वो पूरे ग्रैनविल आइलैंड घूमती हैं सो दैट वो बर्ड्स यहाँ पे ना आए, लोगों को तंग ना करें। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई बैठ के खा रहे हो, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे आके खाते हैं, आराम से धूप एंजॉय करते हैं, तो उनके ऊपर अटैक नहीं बट दे अटैक ऑन द फूड एक्चुअली उनके। सो उनको भगाने के लिए वो बर्ड को लेके घूम रही है यहाँ पे। ग्रैनविल आइलैंड आस पास छोटे छोटे आइलैंड एंड डाउनटाउन का टूर देती हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल ट्रांसिट बस है, उनके एक्वा बस स्टॉप्स हैं जहाँ पे वो रुकती हैं, वहाँ पे लोड एंड अनलोड करते हैं कस्टमर्स। एंड आप चाहे तो 25-30 मिनट्स का टूर लेके भी आ सकते हैं, या फिर इफ़ यू डोंट वांट दैट आप जिस स्टॉप पे आना चाहते हैं उतर के घूम के फिर से दूसरी एक्वा बस लेके आगे जा सकते हैं। दैन यू कैन डू द सेम थिंग बैक एंड फोर्थ एज मेनी टाइम एज यू वांट। और आप वैंकूवर का ग्रैनविल आइलैंड और छोटे छोटे आइलैंड लाइक येल टाउन, डाउनटाउन के डिफरेंट पार्ट्स आप एक्वाबस पे भी घूम सकते हैं। तो ये सारे वेट कर रहे हैं। एक आई थिंक एक्वाबस उस डायरेक्शन में जाती है एंड सिमिलरली एक उस डायरेक्शन में जाती है, जस्ट लाइक दैट वन इज गोइंग टू दैट डायरेक्शन एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाली इस डायरेक्शन में जाएगी। एंड आप सामने जितनी भी बोट्स देख रहे हैं वो सारी प्राइवेट बोट्स हैं किसी न किसी की। यहाँ पे लोगों को बोट्स का, क्रूज़ का, जेट्स की, दिन सबका बहुत शौक है। लोगों ने अपने बड़े शौक के तरीके से इनको ले रखा है। जैसे ये भी एक किसी की बोट है, यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉप के लिए रुकी हुई थी। ये हम लोगों के लिए ही बने हुए हैं। एनीवन का बोट इनकम है, स्टॉप है, हैव सम फूड, शॉप एट दिस ग्रैनविल आइलैंड पब्लिक मार्केट। आई एम मूव अहेड विद दिस जर्नी। मैम, कैसा लग रहा है आपको आके? वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई लाइक दिस वेरी मच। ग्रैनविल आइलैंड मेरी मम्मा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है पूरे वैंकूवर एंड और मेनलैंड में। अगर हमको कोई भी जगह समझ नहीं आती कहाँ जाना है तो ग्रैनविल आइलैंड इज अ प्लेस जहाँ पे हम दोनों कार उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। एंड पीछे तो शायद पार्किंग भी फ्री थी, अब पेड है, लेकिन इट्स वेरी चीप। आई थिंक इट्स $1 फॉर 1 आवर। और ये है ग्रैनविल आइलैंड की पार्किंग। हर जगह हर वॉल पे इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा सा आर्ट बना रखा है। वेंकूवर आइलैंड बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है, में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं दिखाने के लिए। आपका अगर आपको भी इंटरेस्ट है और आपको भी देखना है ग्रैनविल आइलैंड के बारे में और बाकी की स्ट्रीट्स, इसकी नाइट लाइफ के बारे में और आपको जानना है, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। मैं पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी डाल दूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाल बटन को प्रेस कर देना और साथ में जो बेल बनी है उसको जरूर दबा देना। तब तक आप देखिए मेरे बाकी व्लॉग्स, मैं मिलूँगा आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वन, बाय।